नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो फोर एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशंस। दोस्तों, हमारे क्लासेस ऑनलाइन होती है रिमोट शेयरिंग सिस्टम से। गो टू मीटिंग के जरिए हम आपको क्लासेस देते हैं लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन। YouTube पे जो मेरे वीडियोज है, प्रमोशनल वीडियोज है, कंप्लीट नहीं है। आप चाहो तो हमारी क्लासेस लाइव ले सकते हो। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के जिसका अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो टॉपिक आज का स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है कि हम छोटे छोटे माइक्रो पे डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि लास्ट माइक्रो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चौथा हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है ऑटोफिट रो एंड ऑटोफिट कॉलम। ऑटोफिट रो एंड कॉलम, तो हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से रो को ऑटोफिट किया जा सकता है, कॉलम को किया जा सकता है। चलिए, यहां पे हम मॉड्यूल्स में जाके सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑटो फिट रो एंड सी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जो सिलेक्ट करना है, सबसे पहले जो कर्सर है उसको सिलेक्ट करना है इसी को। तो यहां पे मैं क्या करते हैं कि एक्टिव सेल या सिलेक्शन ले सकते हो, डॉट एंटायर कॉलन के लिए एंटायर कॉलन डॉट सेलेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे, या फिर पूरा का पूरा करना चाहते हो तो आप यहां लिख सकते हैं सेल्स डॉट सेलेक्ट। एक कॉलम नहीं, पूरा का पूरा कॉलम करना है तो उसके लिए आप यहां लिख सकते हैं सेलेक्ट। अब मैं यहां पे लिखूंगा कि सेल्स डॉट एंटायर कॉलन डॉट ऑटोफिट। ऑटोफिट एंड मुझे चाहिए रो के लिए, तो सेल्स डॉट एंटायर रो डॉट ऑटोफिट। तो ये सेल्स और कॉलम का, एंटायर रो एंड कॉलम का हमारा ऑटोफिट हुआ। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, यहां से या मैक्रो से भी रन कर सकते हैं, आरसी एंड रन। देखिए, रो एंड कॉलम को इसने ऑटोफिट कर दिया। इसमें सेल्स डॉट सिलेक्ट का मतलब हुआ कि इसने यहां इस पे क्लिक करके इसको पूरे सीट को सिलेक्ट कर दिया। एंटायर रो मतलब कि जितने भी इसके रो हैं सारे रो को करना है, और एंटायर कॉलम मतलब कि पूरे कॉलम को करना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई डेटा आप बनाते हो, आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि कट रहे हैं, वो पूरी विजिबल नहीं है, साइज कॉलम की साइज या रो की साइज कम होने से, तो आप ऑटोफिट करोगे तो जिसको जितना बड़ा साइज चाहिए बड़ा हो जाएगा, जिसको छोटा फोर को छोटा साइज चाहिए तो छोटा हो जाएगा। तो अपने हिसाब से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर लेगा, जिसकी वीवीए कोड लिखने का तरीका ये है। जब आप रिपोर्ट बनाओगे तो इसको अपने रिपोर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियोज को देखते रहें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कमेंट करने की बजाय मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछें, अगर कुछ सवाल पूछना है तो। बच्चे कमेंट करके सवाल पूछते हैं और मैं कमेंट हमेशा तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन देखने पर रिप्लाई तो कर ही देता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं कर पाता हूँ। तो अच्छा रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दें या फिर मुझे कॉल कर लें। आप हमारे डीवीडी कंप्लीट वीडियो डीवीडी चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट iptindia.com से परचेज कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मेरे वेबसाइट पे जाएं एंड डेमो क्लासेस का बुक करें और क्लासेस को लेके देखें। अच्छा लगा तो आप एनरोल कीजिएगा,
नहीं तो किट के जाइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।